एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रहे होंगे। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जिस पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, यानी कि वो इंसान जो आपके क्रश हैं, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप था, ठीक है, तो अब भी उनकी क्या सोच है, क्या सोच रहे हैं करेंटली वो आपके बारे में। तो बेसिकली ये लव रीडिंग है, लेकिन आप ये अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, सिचुएशनशिप में थे या फिर आप मैरिड थे इस पर्सन के साथ, ठीक है, जिसके भी साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। टाइमलेस है तो जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। साथ ही जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो आप लड़के हैं लड़की हैं दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक कर दिया है। बॉटम ऑफ डेक आया 9 ऑफ वांड्स। मैं जल्दी से कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। आई होप गाइस कार्ड विजिबल होंगे आप सभी को। तो आपके पार्टनर की क्या सोच है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में नो कांटेक्ट सिचुएशन में, तो यहाँ पे साफ क्लियरली दिख रहा है वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी भी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, कहीं अब उसको अपनी गलतियाँ रियलाइज हो रही हैं, आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो, तो अब सोच रहे हैं अनब्लॉक करने की, या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने तो अनब्लॉक करा हुआ है बट आपने ब्लॉक किया हुआ है अपनी साइड से, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। बट जो ये सिचुएशन आई थी ना, उसको लेके वो यही सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में यही चीज़ें चल रही है कि उन्हें थर्ड पार्टी की बात नहीं सुननी चाहिए थी, उन्हें थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए था। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें लग रही है कि उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी चीज़ें लग रही हैं कि उन्होंने ना आपको बहुत ज़्यादा लाइटली लिया था, उन्होंने सोचा था कि आप कभी उनको छोड़ के नहीं जाएंगे और वो जैसे चाहे आपको ट्रीट कर सकते हैं। बट आज उन्हें ना गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, आज उन्हें ये चीज़ फील हो रही है कि उन्होंने कितनी अनमोल चीज़ को खो दिया है, क्योंकि आपकी साइड से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स थे, आपकी साइड से आपने बहुत हद तक दिया है, बेस्ट दिया है अपना, और अब उस चीज़ की ना उन्हें वैल्यू हो रही है। ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, जो उन्होंने आपसे फाइट की थी, आर्ग्यूमेंट की थी, जो बातें उन्होंने आपको बोली, उस चीज़ का भी ना उन्हें गिल्ट हो रहा है। वो हर्ट है इस बात से कि उन्होंने आपको हर्ट किया, ठीक है, उनको भी बहुत ज़्यादा हर्ट है और वो ये चीज़ भी सोच रहे हैं, ये चीज़ भी उनके दिल दिमाग में चल रही है कि आपको भी सोचना चाहिए था कि उनको बुरा लगा होगा। मे बी आपने उन पे क्वेश्चन उठाए थे कि वो थर्ड पर्सन कौन है, या वो आपको टाइम क्यों नहीं देते हैं, या जो भी चीज़ें हुई थी, किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी क्या है ना, अभी उनके दिल दिमाग में यही चीज़ें चल रही है कि चीज़ें सिचुएशन को ठीक करना है, और उन्हें ना थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी आ रही है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हैं, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, कहीं जैसे ही उन्होंने आपको धोखा दिया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपको लाइटली लिया, कहीं आप भी अब उन्हें ऐसे ना ट्रीट करें, क्योंकि उन्हें अब आना है आपके पास, उन्हें वापस से रिकनेक्ट करना है आपके साथ। बट अब उनको यही चीज़ें लग रही है कि भाई कैसे सिचुएशन को ठीक किया जाए, क्योंकि आपने या तो ब्लॉक किया हुआ है, या फिर अगर उनकी साइड से ब्लॉक है तो वो अनब्लॉक करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, बट अब वो इस चीज़ से डर रहे हैं क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगी या करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत गलतियां की हैं पास्ट में और उन्हें बस अब ये चीज़ है कि आप एक और सेकंड चांस दे दें, क्योंकि आपको वो एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आपको एक ऐसे पर्सन के तौर पे देखते हैं जो उनसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है फाइनेंशियली भी, और
वैसे भी मैं कह सकती हूँ आपका जो स्टेटस है वो भी काफ़ी हाई हो सकता है उनके हिसाब से, ठीक है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली, उनका करियर स्टेबल नहीं है, मे बी वो रीज़न हो सकता है कि उन्होंने सोचा था कि आपको प्रायोरिटी पे ना रख कर जो आप अटेंशन अफेक्शन दिखा रहे थे उन चीज़ों को फोकस में ना ला के वो अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करने का ट्राई कर रहे थे, इसीलिए किसी थर्ड पर्सन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, उनसे ज़्यादा बातचीत कर रहे थे ताकि वो उनके करियर में उनकी हेल्प कर सकें, ठीक है, वो चीज़ें भी हो सकती हैं किसी किसी के लिए। यहाँ पे अभी मुझे ऐसा लग रहा है उस पर्सन को ना ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इमोशनल है, केयरिंग है, लविंग है, और इनका आज भी वेट कर रहा होगा या होगी, उन्हें कहीं ना कहीं वो चीज़ भी लगती है, उन्हें ट्रस्ट है, या वो ये चीज़ सोचते हैं कि आई विश आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो क्योंकि वो आपको फेक आईडी से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, और वो जब भी आपको देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं अभी भी होप है क्योंकि आपकी जो सोशल मीडिया अकाउंट है मे बी वो ऐसा हो सकता है कि पब्लिक हो रखा है तो उन्हें पता चल जाता है, या फिर फेक आईडी से अगर आपसे बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ बोली हो कि नहीं आप ऑलरेडी कमिटेड हैं या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उससे उन्हें ये चीज़ें फील होती है कि नहीं आप अभी भी उनका वेट कर रहे हैं, या उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें इस चीज़ का ट्रस्ट है कि आप उनका वेट करेंगे या करेंगी, और सोशल मीडिया पे काफ़ी स्ट्रक किया जा रहा है, काम के लिए आपको छोड़ा था बट अब काम पर ही मन नहीं लग रहा है उनका, और अब वो बैलेंस लाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, और अब वो ये चाह रहे हैं कि एक चांस मिल जाए जब ये चीज़ें ठीक हो जाएँ, ठीक है, उनके मन में अभी यही चीज़ें आ रही है कि जल्दी से जल्दी आपसे मिल सके। मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का रीज़न ये भी हो सकता है कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, आप इनसे मिलने के लिए बार बार फोर्स कर रहे थे या ये आपको मिलने के लिए बार बार फोर्स कर रहे थे जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ गई, या ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप दोनों के बीच किसी तरीके का डिफरेंस है, जैसे कास्ट, कल्चर, हाइट, एज और सिटी, ठीक है, रिलीजन, इन सब चीज़ों का भी डिफरेंस हो सकता है। साथ ही यहाँ पे ना ये पर्सन जो है आप पर पूरी पूरी नज़र रख रहा है, मे बी ऐसा हो सकता है आप किसी ग्रुप सर्कल में हो, वो चीज़ें हो सकती है, ये पर्सन जो है काफ़ी गुस्से वाला हो सकता है, तो अभी इसको ये चीज़ें भी रियलाइज़ हो गई है कि इसको गुस्सा नहीं करना चाहिए था आप पर, या इसको वो बातें नहीं बोलनी चाहिए थी जो इसने आपको बातें बोली हैं, ठीक है, और इसको ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है कि कैसे चीज़ें सॉल्व होंगी, कैसे चीज़ें ठीक होंगी, इसकी रातों की नींदें उड़ रही हैं, इसका काम में मन नहीं लग रहा है, इसको नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस हो रहा है, और इसलिए ये आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा हो, अब अनब्लॉक किया हो, अगर इसने ब्लॉक किया हुआ है ना तो ये बीच बीच में अनब्लॉक करके चीज़ें देखता है, आपकी एक्टिविटीज़ को देखने का ट्राई करता है, एंड उसके बाद फिर वापस से ब्लॉक कर देता है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ये पर्सन जो है ना अब आपका वेट कर रहा है और ये आपको ही अपना कप ऑफर करना चाह रहा है क्योंकि अब इसको वैल्यू रियलाइज़ हो गई है आपकी, कि जिस तरीके से आपने इसकी मदद की थी, जिस तरीके से आपने इसको हैंडल किया था, या जितना आपने सुन लिया उतना कोई नहीं सुन सकता, उनकी नज़र में आप एक एम्प्रेस जैसे हो, आप बहुत सुंदर हो दिखने में और आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं वो, और अब उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन है जिसको कमिटमेंट दे देनी चाहिए, या आप एक ऐसे पर्सन है जो मैरिज मटेरियल है, आपके लिए ना बहुत ज़्यादा ही इनके मन में पैशन जाग रहा है, अट्रैक्शन जाग रहा है, और आपसे मिलने की ना क्यूरियोसिटी जग रही है उनके मन में। मे बी इन्होंने अपनी बॉडी पे काफ़ी सारे टैटू करा रखे हैं, ऐसा हो सकता है। सन, पैशन, फायर, इनके मन में ना आपको लेके गुस्सा भी है बट उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, पैशन है, और अब उन्हें ये चीज़ें भी समझ आ गई है कि जो उनकी खुशी की चाबी है ना वो आप ही हो, आपके साथ वो रहेंगे ना तो खुश रहेंगे, या जब भी वो आपके साथ थे ना तो वो पल जो थे वो बेस्ट थे, आपने इनको हंसाया, इनको मोटिवेट किया, इनकी मदद की। ओके, मे बी आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपकी साइड से ब्लॉक है,
ठीक है, ये पर्सन, तो ये वही चीज़ को चेक करते रहते हो कि आप कब अनब्लॉक करेंगी, आप कब अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और ये आपके गुस्से से बहुत ज़्यादा डरते हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि एक ना एक दिन वो चीज़ें तो फेस करनी ही पड़ेगी अगर सिचुएशन को ठीक करना है, रिलेशनशिप को बचाना है, और इसीलिए ना ये कुछ ना कुछ प्लान करने में लगे हैं कि कैसे मरना है, क्योंकि इन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो इनकी बातों से, इनके एक्शन से, और वही चीज़ को लेके अब ये सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ें ठीक की जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, बट इनको ट्रस्ट है कि आप दोनों के बीच की जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा अभी ये पॉज में हैं, थोड़ा अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, थोड़ा अभी इनको ये चीज़ें हो रही हैं कि भाई मैं अपनी गलतियाँ सुधार लूँ, उसके बाद अगर मैं इस पर्सन के पास जाता हूँ तो ये ईजिली मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। तो अभी ना ये थोड़ा अपने में भी करेक्शन करने में लग गए हैं, बट ये आपके गुस्से से बहुत ज़्यादा डरते हैं और ये आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सो या गाइस, यही मुझे दिख रहा है अभी इनके मन में, यही चल रहा है कि नेक्स्ट एक्शन इन्हें यही लेना है कि आपके साथ बात करनी है, आपको कॉल मैसेज करना है, और मे बी किसी किसी के लिए मैं कह सकती हूँ कि 8 days or 8 weeks के अंदर अंदर ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगस्त के महीने में आपकी इनसे बात हो सकती है कॉल मैसेज पे, या तो आप अनब्लॉक कर देंगे या ये पर्सन खुद अनब्लॉक कर देगा, या आपकी मुलाकात हो सकती है किसी रीज़न से, मे बी आप जो हैं किसी ग्रुप सर्कल में, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू भी आपकी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि अब इनको ना वैल्यू तो रियलाइज हो गई है आपकी कि आप इनकी लाइफ की एम्प्रेस हैं, या मैं कह सकती हूँ कि आपका जो नेचर है, अगर आप मेल हैं तो आपका जो नेचर है वो एक मदरली नेचर है, आप बहुत लविंग हैं, केयरिंग हैं, काइंड हार्टेड पर्सन हैं, और हमेशा आपने इनको सपोर्ट किया है और हमेशा आपने इनको इनकरेज किया है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, करियर में फोकस के लिए, बट फिर भी इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं किया, आपने इनकी बहुत मदद की हो ऐसा हो सकता है, और इसी वजह से ना अभी ये जो पर्सन है ना आपको स्टॉक कर रहा है, जिस रीज़न की वजह से ये गए थे, जिस रीज़न की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, वही रीज़न चला गया है, मे बी थर्ड पार्टी जो है वो अब इनकी साइड से रिमूव हो गई है, वो पर्सन ने इनको हर्ट किया हो, या उसका रियल फेस इनको दिख गया हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा मैं कह सकती हूँ कि इनका करियर वगैरह जो था वो एक थर्ड पार्टी का काम कर रहा था आप दोनों के बीच, तो आपसे अलग होने के बाद भी ये उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इन्हें ये चीज़ फील हो गई है कि भाई क्या ही फ़ायदा ऐसे का कि रिलेशनशिप पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ और करियर पे भी नहीं दे पा रहा हूँ, तो ये दोनों को बैलेंस करने का ट्राई करने वाले हैं नेक्स्ट, और अब ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, अब ये बिना आपके रह भी नहीं पा रहे हैं, ये मैं कह सकती हूँ। सो या गाइस, मुझे यही दिख रहा है, और ये टॉपिक किसी पर्सन ने मुझे सजेस्ट किया था, मेरी कोई सब्सक्राइबर ने, तो आई होप उनको क्लियरिटी आ गई होगी और उनकी हेल्प भी हो गई होगी। सो या गाइस, मुझे यही दिख रहा है, अगर मैं बर्थ डेट की बात करूँ 3/12/21 हो सकती है, 9/18/27, 8/17/26 हो सकती है, 5/14/23, 6/15/24, 1/10/1928, और यहाँ पे मुझे बर्थ डेट दिख रही है 7/16/25, ओके यही मुझे बर्थ डेट दिख रही है। अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूँ, जनवरी, मार्च, मई, जून और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और यहाँ पे हो सकता है दिसंबर, यही मुझे बर्थ मंथ दिख रहे हैं। जो बर्थ मंथ और बर्थ डेट मैंने बताई है, अगर रेजोनेट नहीं करती है, स्टिल रीडिंग रेजोनेट करेगी। ज़ोडियक साइन की बात की जाए तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, और यहाँ पे अर्थ साइन नहीं आया है, बाकी सारे ज़ोडियक साइन मौजूद हैं। सो या गाइस, आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।